थाना मंडावट क्षेत्र ग्राम मोहदीनपुर में अंसारी बिरादरी में गांव से ही कल बारात आई थी। बिरादरी ने शादी समारोह में बैंड बाजा वे डीजे बजाने पर सभी बिरादरी की सहमति से रोक लगा रखी है। मोहदीनपुर गांव में शनिवार की दोपहर मस्जिद में जोहर की नमाज अदा की जा रही थी, उसी समय बैंड बाजे के साथ बारात की चढ़त मस्जिद के सामने पहुंची और कहने पर भी बाराती द्वारा बैंड बंद नहीं किया गया, जिसके चलते नाराज होकर मस्जिद के इमाम शकील अहमद ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। बाद में बरातियों के घर वालों ने थाना कैतपुर क्षेत्र गांव छितावर के इमाम मौलाना इरफान को बुलाकर निकाह पढ़वाया, जिसे लेकर देर शाम बिरादरी में रोष फैल गया। बिरादरी के लोगों ने देर रात पंचायत कर दोनों परिवार से नाता तोड़ लिया। दोनों के यहां आने जाने दावत में शरीक होने को लेकर बिरादरी के लोगों ने दूल्हे और दुल्हन दोनों के परिवार संबंध में रखने की घोषणा कर दी। उधर गांव की मस्जिद में होने वाले पंचायत और दोनों पक्षों की बिरादरी से बाहर करने के सवाल पर मस्जिद कमेटी के सदस्य शौकत अली ने दबी जबान में पंचायत की बात कबूल करते हुए बताया कि कल गांव अंसारी बिरादरी में बारात आई थी, दोनों पक्ष इस गांव के रहने वाले हैं। हमारी बिरादरी में बारात और डीजे बजाने पर रोक है, इसके बावजूद भी बरातियों ने मस्जिद के सामने बारात लेकर गया, जिसे लेकर मस्जिद के इमाम ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। बाद में बाहर के इमाम के ने आकर निकाह पढ़ाया, इसी को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन इन्हें पंचायत की तरफ से कोई फरमान नहीं सुनाया गया है। न्यूज़ फ्रीडम के लिए बिजनौर से मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। ये जो कल मस्जिद में एक आपके गांव में शादी थी, उसमें निकाह के लेकर कुछ मामला था, क्या है? कुछ बिरादरी के अंदर हमारे हैं ऐसा है कि ये काम होता नहीं। कौन सा काम नहीं होता? कि ये डीजे बीजे बजना या और ऐसा वैसा काम बड़ा चढ़ना, ये नहीं होता। तो इस वजह से कुछ लोगों ने विवाद करके इस मामले में करा जबरदस्ती, और उस जबरदस्ती नहीं रोका, रोकने पर यो करा कि मस्जिद का जमा उसने निकाह नहीं पढ़ाया, निकाह जो पढ़ाया तो बाहर के आदमी ने पढ़ाया। क्या कोई पंचायत भी हुई है यहाँ? पंचायत भी कुछ ना, वैसे ही आदमी वैसे ही मस्जिद में बैठे थे। क्या हुक्का पानी बंद करने की? नहीं, कुछ कोई बात और ऐसी।